हमारे साथ साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं करौली का, जहां जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती टोडा भीम निवासी वृद्ध के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद चिकित्सा विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मामले में चिकित्सा विभाग की लेट लतीफी भी सामने आई। वृद्ध के संक्रमित होने की सूचना मिलने के बावजूद देर रात तक विभाग के आला अधिकारी मामले को जयपुर से जुड़ा हुआ बताते रहे। सुबह जब मामले का खुलासा हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीणा के मुताबिक संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री तलाशी जा रही है। एक व्यक्ति का सैंपल जयपुर में लिया गया, जो पॉजिटिव पाया गया वो टोडा भीम के नाम से डाला गया है। ये व्यक्ति टोडा भीम में टीचर की नौकरी करता था, 10 साल पहले रिटायरमेंट हो गया और ये टोडा भीम से जयपुर शिफ्ट हो गए। इनके बेटे भी जयपुर रहते हैं। जानकारी जहाँ तक प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इस व्यक्ति का मूवमेंट रहा है, 6 तारीख को ये अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक में गया है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितनी भी हुई है उसको हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की लिस्ट बना रहे हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट को हम सैंपल के लिए एसटीएस हिंडौन में भिजवा रहे हैं। लेट नाइट हमें सूचना मिली, सीएम साहब ने सूचना दी थी कि अब्दुल मुमीन जनूब अब्दुल कदीर 65 साल निवासी वार्ड नंबर 1 काजीपाड़ा टोडा भीम, इसकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव की हमें दूरभाष पर सीएम साहब ने सूचना दी। फिर हम सुबह सारी टीम, नायब साहब, मैं BCMO, CSC, मेडिकल स्टाफ डॉक्टर अमर सिंह मीना और पुलिस हमारे साथ हैं। हम सभी इसमें लगे हुए हैं, पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में और सारी हिस्ट्री लेने में। तो इसके लिए हम क्वारंटाइन के लिए भिजवा रहे हैं अभी जो इनको ड्राइव इस बुलेटिन में।